का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज। ये एथलीट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उनका जो करियर होता है उन करियर में बहुत सी ऐसी इंजरीज होती हैं जो वो खुद ट्रीट कर सकते हैं, उनको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक सीरीज़ बनाई है स्पोर्ट्स इंजरीज को लेके, जिसमें हम लोग सारे इंजरीज के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। अगर आप भी इंजरीज या फिर हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको बगल में बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितने तरीके की स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। तो बेसिकली दो तरीके की स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है ओवर यूज़। एक्यूट इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो आपको ऑल ऑफ सडन ट्रॉमा दे। फॉर एग्जाम्पल आपका स्प्रेन स्ट्रेन, इसमें क्या होता है कि आपका एंकल मुड़ गया, चलते चलते आप गिर गए, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, कंट्यूशन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। वहीं अगर हम बात करें ओवर यूज़ की, तो ओवर यूज़ होता है कि आपकी जब ट्रेनिंग का जो मेथड है मेथड गलत हो या आपकी टेक्निक गलत हो, उसके कारण जो इंजरीज होती है वो ओवर यूज़ इंजरीज होती है। जैसे कि आपका टेनिस एल्बो और आपका नी, इसके बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज की। तो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज हैं स्प्रेन स्ट्रेन कंट्यूशन फ्रैक्चर डिसलोकेशन एबरेशन। ये कुछ ऐसी कॉमन इंजरीज हैं जो एथलीट के लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रेन के बारे में, उसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे हम लोग, उसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रेन होता क्या है। स्प्रेन में जो आपका लिगामेंट होता है, लिगामेंट ओवरस्ट्रेच हो जाता है, आपका जो लिगामेंट है वो पार्शली और फुल्ली टेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट एक कनेक्टिंग टिश्यूज है जो आपकी दो बोन को जोड़ता है। अगर हम नी की बात करें तो नी हमारा अपर लेग और लोअर लेग को जोड़ता है। वहां पे फोर डिफरेंट लिगामेंट होते हैं। आगे की तरफ आप देखोगे तो आगे की तरफ ACL होता है जो सेंटर पार्ट पे होता है, पीछे आपका PCL होता है, और दोनों साइड में आपका LCL और MCL होता है। इसके ऊपर मैं एक डिफरेंट इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज अभी हम लोग इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। लेकिन मैं ACL के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा। इसका फुल फॉर्म होता है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है एथलीट्स की लाइफ में। एथलीट को जो सबसे ज्यादा कॉमन इंजरीज बोलेंगे तो उनका ACL टेयर होता है। जब आपका पार्शली टेयर है तो वो हो सकता है कि आपका सिर्फ फिजियोथेरेपी लेने से ठीक हो जाए, या फिर कुछ केसेस में आपको सर्जरी करने के लिए डॉक्टर बोलता है। जब कम्प्लीटली टेयर हो जाता है तो उसमें आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग क्लेम करते हैं कि बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो सही है कि गलत है, या फिर ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस के बारे में। कॉजेस क्या हैं स्प्रेन के? सो फॉलिंग, आप एकदम से गिर गए और आपका एंकल ट्विस्ट हो गया, या फिर आप अपने हाथ के बल गिरे और आपका हाथ मुड़ गया, या फिर आप एक अनइवन सरफेस में रनिंग या जॉगिंग कर रहे हैं, आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स आपका माइल्ड और सीवियर हो सकता है अकॉर्डिंग टू हाउ मेनी टिश्यू फाइबर्स आर अफेक्टेड। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इंजर्ड एरिया होता है उस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा पहले पेन होगा, सेकेंड आपका उस एरिया में आपको स्वेलिंग होगी, थर्ड आपको जो वो एरिया जहाँ पे आपको चोट लगी है उसको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, और फोर्थ क्या होता है कि आप उस इंजर्ड एरिया उस जॉइंट में आप ना प्रेशर नहीं डाल पाएंगे, आप उस पर वेट नहीं डाल पाएंगे, और अब जब आप कोशिश करेंगे वेट डालने की तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जो स्प्रेन इंजरी है वो आपके सिर्फ लिगामेंट्स में ही होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन की। हम सबको पता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है, सबसे पहले जो आपका जो मसल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना है, उसके लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है आपको स्ट्रेचिंग करनी है रोज। नेक्स्ट है वार्म अप, आपको ट्रेनिंग से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे डाइट। डाइट आपको बैलेंस डाइट लेनी है, और हर इंसान की डाइट अलग होगी, तो आपको अपने लिए पूरा प्लान बनाना है। अगर आपको नहीं पता प्लान कैसे बनाना है तो इसके ऊपर मैंने वीडियोज़ बना रखी है, आप वीडियोस जाके देख सकते हैं फिटिस्तान यूट्यूब चैनल पे, और मैं वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। लास्ट में आता है सेफ्टी इक्विपमेंट। आप जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि जो चांसेस ऑफ इंजरीज हैं वो कम हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में आपको करने की ज़रूरत है राइस, RICE। राइस मतलब चावल नहीं, राइस मतलब रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। आर स्टैंड्स फॉर रेस्ट, उसमें आपको आपका जो इंजर्ड होने के बाद आपको रेस्ट देना है उस पर्टिकुलर एरिया को, उसके ऊपर आपको वेट नहीं डालना है, उस एरिया को आपको ट्रेनिंग में यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंजरी आपकी बढ़ेगी और स्वेलिंग भी बढ़ेगी।
नेक्स्ट आपको जो करना है वो करना है आइसिंग। आइसिंग आपको 15 से 20 मिनट करनी है हर 2 से 3 घंटे बाद, और ये आपको 2 से 3 दिन तक रेगुलरली करने की ज़रूरत है। जब आप आइसिंग कर रहे हैं तो ये एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आइस आप डायरेक्ट बॉडी के कॉन्टैक्ट में मत लाइए, कवर्ड होना चाहिए किसी कपड़े से, या आप आइस पैक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ठंडा पानी ले सकते हैं, अदरवाइज आपके घर पे होगा फ्रोजन वेजीज होंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रेशन। उसमें क्या करना है, आपको जो आपका अफेक्टेड एरिया है, जो इंजर्ड एरिया है, उस इंजर्ड एरिया को आपको बैंडेज करने की ज़रूरत है। जब आप बैंडेज कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बैंडेज बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं बांध देना है, जिससे कि जो आपका सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन स्टॉप हो जाए, और इतना लूज भी नहीं बांधना है कि आपका जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग बढ़ता जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप सोने जा रहे हो तो आपको आपका बैंडेज को लूज करना है। लास्ट में आता है एलिवेशन। एलिवेशन में आपको इंजर्ड एरिया को आपके हार्ट लेवल से ऊपर रखना है, जिससे कि जो आपका स्वेलिंग है, स्वेलिंग कम होगा और जो फ्लूइड है, फ्लूइड नीचे आएगा और आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। अगर ये ट्रीटमेंट आप 2 से 3 दिन करते हैं तो जो आपका इंजर्ड एरिया है वो बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने बहुत से एथलीट्स को देखा है, वो ज़्यादातर सिर्फ आइसिंग यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। नहीं, सारी चीज़ अगर आप करोगे तो जल्दी रिकवर हो जाओगे और आपको फ्यूचर में इंजरीज के चांसेस और कम हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप आज इंजर्ड हुए हो, आप दोबारा ट्रेनिंग करोगे तो वो इंजरी आपकी बढ़ती जाएगी, जो कि आपको लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्प्रेन इंजरी के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एथलीट्स के लिए जानना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो हेल्थ एंड फिटनेस से वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। इस चैनल को आप अपना चैनल समझिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम आपकी इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।